Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد فعلي البر والله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد فعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد बीमारी का लफ्ज ही बहुत खराब है, इंसान के साथ बीमारी का लफ्ज लगता है तो जाहिर से पता लगता है कि कोई डिफेक्ट है उसके अंदर। हम रोजमर्रा जिंदगी में आदमी शिकायत रखता है किसी न किसी बीमारी की, नज़ला है, खांसी है, जुकाम है और भी जो छोटे मोटे तकलीफ इंसान पे आते हैं, तो कोशिश ही करते हैं इंसान की भाई उस बीमारी का कोई अजाला किया जाए। बेखबर नहीं रहता क्योंकि बीमारी का खदशा ये भी रहता है कि बाद जैसे कहते हैं नज़ला है जल्दी इलाज करो, नज़ला हो जाएगा तो फिर खांसी हो जाएगी तो फिर दमा हो जाएगा तो फिर टीबी हो जाएगी, बढ़ती चली जाती है बीमारियाँ। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका इलाज करते हैं बीमारी का, बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं, लाइफ भी डिस्टर्ब होती है इंसान की, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, छुट्टी लेनी पड़ती है बीमारी की वजह से, काम छोड़ना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आदमी डॉक्टर से दवा लेता है, इलाज कराते हैं अपना भाई, इलाज कराए कोई, ये जिंदगी होता है हमारा। इसी तरह से इंसान की रूहानी बीमारी है जो रूह से ताल्लुक रखती है, इनका मरकज जो है वह दिल है, कल्ब है। तो अल्लाह सुबहान तला ने इसके शोर को पैदा करने के लिए ऐसे इंसान पैदा किए हैं जो अलहमदिल्ला इन बीमारियों की तरफ भी तवज्जा रखते हैं और लोगों को तवज्जा दिलाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर ये बीमारी लग जाए तो ये भी कम नहीं है, मतलब हिसाब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। उससे तो इंसान को टीबी होगी या कोई नज़ला होगा, लेकिन ये बीमारी जो है ये तो बढ़ते 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 कहीं अल्लाह माफ़ करे इंसान को ईमान से ही फारिग ना कर दे। तो बीमारी फजाद हम मारा अल्लाह तला कहते हैं बढ़ता है हमारे से, तो इससे गफलत तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। कब तक आदमी दुनिया में जा सकता है सोचिए, इन बीमारियों को फिर उस वक्त पता चलता है। फरिश्ते आते हैं तो आसमान से जो फरिश्ते आते हैं पूछते हैं भाई आगे क्या भेजा, और उसको दुनिया वाले क्या करें, उनका कुछ दूसरा होता है, वो कहते हैं आगे क्या भेजा, वो कहते हैं पीछे क्या छोड़ा। ये होता है ना वाला दुनिया वाला तो पीछे की तरफ देखते हैं कितना माल छोड़ा इसने, और फिर से कहते हैं आगे तुमने कितना भेजा,
कसर चीज तो आगे की इतनी कितनी, तो बाशोर आदमी को चाहिए कि भाई अपने इस वक्त को जो है अपनी इसलाह पर लगाए, क्योंकि ये इसलाह जो हम करेंगे आखिर काम आएगी, बहुत मेहनत है, बहुत दुनिया तो बेवफा चीज है। देखें एक उम्र का हिस्सा ऐसा आता है, आपसे पूछिए आप क्या करता है, कहीं मैं तो कुछ नहीं करता, रिटायर हो गया, कहते हैं ना काफ़ी बैठूंगी माशाल्लाह, पर हंस के कहते हैं रिटायर हो गए, अजीब बात है, रोने वाली बात है, हंसी वाली बात, रोने वाली बात है, ये आप कहते नहीं मैं तो रिटायर हो गया, आराम कर रिटायर हो गया। क्या मैसेज मिला है अल्लाह, क्या मैसेज दे रही दुनिया, दुनिया के लिए अल्लाह के वास्ते जान छोड़ा, तू मेरे काम का नहीं रहा, तू मेरे काम का नहीं रहा, बस छुट्टी कर लाट जा आराम से, मैं तुझे मुझे चाहिए नहीं, तू तुझसे अच्छे लोग आ रहे हैं इसमें मेरे पास, मैं तुझे क्यों लूँ, फिर क्या काम तुझसे लेने का, ये है मतलब है रिटायरमेंट का। दुनिया वफा सारी जिंदगी बेचारा लगा रहता है, और जब वो जरा उस तब से रहा तो दुनिया कहते छोड़ छोड़ दिया बाग बाग रिटायर हो जाए, मैंने छोड़ दिया तुझे, तेरा मैं कुछ था देखती भी नहीं उसकी तरफ, देखती भी नहीं उसकी तरफ, ना जेब में होती ना गर्मी होती ना बैंक में होती बेचारी, सारी जिंदगी उसने ये काम किया था, किस हाल में बैठा होता है बेचारा रिटायरमेंट होके, वो किसी हाल में बैठा होता है, किसी बीमारी में मुबतला होता है, ये है दुनिया। आप सोचें कितना बड़ा लफ्ज़ है रिटायरमेंट, आप सोचें ये सब चीज़ें हैं जो हमें होश दिलाती हैं, होश दिलाती हैं, दिन रात ये काम हो रहा है, तुम बेवकूफ़ फिर भी तुम अकल नहीं करते, कुछ अपनी सलाह नहीं करते, तुम आगे जब जाओगे तो फरिश्ते कहेंगे आगे क्या भेजा, तो क्या चीज़ होगी तुम्हारे पास, अगर ये बीमारियाँ तुम्हारे पास हुई बीमारियाँ कम तो नहीं है, अगर आप सलाह नहीं करेंगे बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी, बीमारी तो है अल्लाह ताला कहते हैं बीमारी तो है मौजूद, रूहानी बीमारी में से एक बीमारी जो बहुत खतरनाक है, वो कई बीमारियों को ले आती है, वो बीमारी हम तो जय ही नहीं करते, ऐसी बीमारी है वो और काफी बीमारियों को ले आती है, परेशान पैदा कर लेती है, लेकिन जैसे बच्चे अंडे पैदा होते हैं ना तो अंदर ही पैदा कर देती है, बीमारी का नाम है नफाक, नाम भी रखे अल्लाह पाक ने बीमारी में, ऐसी बात नहीं हदीस से मौजूद है, क्या नाम है नफाक, बहुत सख्त बीमारी है, इससे ना नज़ला होता है ना आँखें दुखती हैं ना हाथ में दर्द होता है ना कोई पेन किलर की जरूरत होती है, बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं आदमी, बल्कि सेहत और अच्छी होती है उसकी, और चौड़ा होकर फिरते हो बीमारी में और चौड़ा बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आ रहे उसकी, छींक मारे तो कहेंगे नजला है इसको भाई इलाज करो, आंख से पानी निकल भाई आंख में दर्द है इसका इलाज करो, देखिए लेकिन इतनी बड़ी बीमारी है नफाक, आप सोचिए कितनी बड़ी बीमारी है, अब पता ही नहीं हमें हमारे अंदर है भी नहीं है, ना मुझे पता है ना आपको पता ना इसको पता ना उसको पता, इसका सजा क्या है नफाक की, तो कुरान उठा के पढ़ लें कि हाँ भेजेंगे अल्लाह पाक इन लोगों जिन जिनमें नफाक होते उसको कहाँ जाएगा, और फिर ये नफाक एक अब फसाद खुद बीमारी है, लेकिन उसके साथ जो उसने बीमारी अंदर पैदा की है, बच्चे दिए अंडे दिए हैं वो भी अंदर मौजूद है, नफाक किया हो इसमें और बढ़ाता है, देखिए नफाक क्या काम करता है, इसे हदीस से सुना रहा हूँ, झूठ झूठ की आदत डालता है इसको, झूठ बोल भाई झूठ की आदत डालता है, बस फर्स्ट क्लास झूठ बोलाता है, नफाक क्या कराता है अमानतों में खयानत कराता है इंसान से, कितनी बड़ी बड़ी बीमारी है चीजें लेके आते हैं अमानत में खयानत, अब ये इनकी तो ये अलग अलग टॉपिक हैं, इनकी सजाएं आप देखें कितनी बड़ी बड़ी, झूठ बुलाएगा अमानत में खयानत दिलाएगा, पता है कितनी बड़ी बीमारी कहां से कहां ले गया, शिर्क तक पहुंचा देते हैं नफाक इंसान को, तो
हमें चाहिए इसको इलाज या नहीं चाहिए? तो चाहिए। अगर हम इलाज नहीं करेंगे ठीक ना करो, अल्लाह को क्या गर्ज इस चीज़ की? अल्लाह ताला ने बीमारियाँ बताई हैं और उसके इलाज भी बताए, कि तुम सोचो। जो जवानी मस्त हो गए लेकिन जब उम्रें गुजर रही उस वक्त तो सोचो, रिटायरमेंट के करीब हो या रिटायरमेंट हो गई मेरे जैसा आदमी, वो भी सेम लाइफ गुजार रहा है, कुछ तो फर्क होना चाहिए जिंदगी में। तो इसी तरह और अंदर की पता नहीं क्या क्या बीमारी इंसान के अंदर होती है, कहाँ जा रहा है कैसे तुम सही करे, उसको फिक्र ही नहीं इस चीज की। हमारे आज माशरे में तो बिल्कुल फिक्र नहीं, कोई झूठ बोल रहा है, झूठ बोलो कहते हैं झूठ का सच का पता क्यों, वादा खिलाफी कर रहा है, ये नफाक पैदा करते हैं ना, वादा खिलाफी करते हैं। तो अभी आया जी, अभी पता ही कोई कल ले लेना जी, वो कल ही नहीं आती। जब ये चीजें हो रही है ना तो वो मुनाफिक बन चुके हैं, अल्लाह की किताबों में नफाक पैदा हो गया उसके, चाहे किसी हैसियत में हुआ इंसान, बीमारी तो मौजूद है ना, ये नहीं है, किसी भी दर्जे में किसी मुकाम पर है, जो अपने काम कर रहा है दीनी जो, उससे नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा कि मरीज है या सही है। भाई आप किसी को ड्राइवर रखते हैं या कोई टेस्ट उसने पास करना है टैक्सी वगैरह का, तो कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आओ, कहते हैं नहीं कहते हैं। हाँ टेस्ट ये वो दिल विल सब देखते हैं गुरु के। तो अल्लाह सुभाना ताला कहते हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर बीमारी है तो इसको कोई नहीं पूछा जाएगा। कितनी शर्म की बात है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं कहता हूँ पक्का मुसलमान, अल्लाह तेरा तो सुनना भी गया, नफाक के अंदर पैदा हो चुके, वो वादा खिलाफी करेगा तुम कुछ भी नहीं कर रहे, मैं भी नमाज पढ़ गया हूँ पहली सब में खड़ा थी, पूरे सवाब लिए, कहते सवाब तो लिए जाहिर है, ये सवाब गया कहाँ, जब तराज में रखा जाएगा तो नफाक आएगा तो नमाज नीचे बिछाई, मैं तो सब क्या कहूँ, इतनी गुना तेरा बढ़ गया। फिर क्या हैसियत इंसान की मुझे बताए, जिंदगी के अंदर पाक साफ हम चाहिए, फिरते हैं जब पूछे क्या भेजा, अल्लाह जमीन वालों की परवाह नहीं करें, उन्हें तो कहना क्या छोड़ा, उनका देखो क्या भेजा, इतना इतना भेजा हो आपने, इतना भेजा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह फिरते भी पूरी बरात लेके उतरे आपको ले जाने के लिए, कि बहुत VIP आदमी है, बड़ा रिच आदमी है, आखिर जन्नत के तो महल बने हुए हैं इसके, तो बड़े बड़े पौश महल बने हुए हैं, नहरें बह रही हैं, उसके तो मुकाम ऊंचे सीधा वहीं इसका ठिकाना उधर है, कितनी VIP थी कि उसको ले जाया जाए, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है मेरे भाइयों। ये जो है तस्किए का जो मामला है, अल्लाह के नबी ने चीजें जिसक की मजबूर में किताब आओ, तीनों चीजों के साथ किताब भी है, एक भी है और तस्किया भी है, तीनों को एक जगह बयान किया है, तीनों चीजें लेकर आए बयान। अलहमदिल्ला शुक्र अलहमदिल्ला आप लोग भी कुछ लगे हुए इस तरफ देखें, जरा अभी भी होश से इस्तेमाल करें, अपने आप को जज करना चाहिए इंसान को, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं खयानत करता हूँ, मैं वादा खिलाफी करता हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, तो बात ये तो ख़त्म करनी चाहिए। जैसे अब नज़ला हुआ तो यार ख़त्म करो, ये नज़ला तो बहुत बुरी चीज़ है, छींक मारो तंग आ गया, हार्ट में दर्द हो रहा है, तो इससे तो आदमी एक मिनट भी आराम ना करे इस चीज़ पे, कि अगर रात को मेरा निकल गया दम मैं तो मुनाफिक मरूंगा, नफा क्यों मेरे में, कभी भी इंसान को वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए मुसलमान, कभी इंसान के अंदर जनाब जीना हो कि वो किसी से वादा करे तोड़ दे, खयानत करे, झूठ बोले। अब ये ऐसी चीजें हैं कि इसके मुकाबले में दुनिया है, याद रखिए क्या चीज है, झूठ बोलेंगे दुनिया कमाएंगे खूब मजे से, खूब तजारत करें झूठ बोल के आप खूब बिकेंगे, कहेंगे जी ये डाल्टा भेजेंगे असली घी है, सरसों का तेल भेजेंगे कहेंगे ऑलिव ऑयल है टप्पे लगा के, ठीक है ना फला ये मोरे लगाते रहे वैसे आ रहे हैं नो प्रॉब्लम नहीं, जब आप जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, दुनिया वाले कितना छोड़ा, कुछ ले गए आप उसमें साथ, ये किस चीज से कमाया हमने, झूठ से, झूठ से कमाया ना, दुनिया कमा रही झूठ से, वादा खिलाफी की दुनिया कमाया,
इनसे दुनिया नहीं आएगी, झूठ बोलेंगे तो दुनिया नहीं आएगी, याद रख, दुनिया नहीं आएगी तो हम घबरा जाएंगे, कहाँ फंस गए यार, काम भी खत्म हो गया, ठप हो गया सारा कुछ, तरक्की नहीं हुई। यही निशानी है कि इंसान सही है, क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है हम कुछ जमा करें उसको, ये जाने नहीं हमारे साथ, ये तो पक्की हक सच्ची निशानी अल्हम्दुलिल्लाह कि झूठ छोड़ बैठा है शख्स, झूठ से दुनिया आई, कर लो बैंक में जितने पैसे का जमा करने आप करते रहे इंशाल्लाह, गिनते रहे बैठ कर, परवाह नहीं, लिए कैसे आप झूठ बोल के फ्रॉड करके और अखलाफी करके अमानतों को खाकर, वो इंसान है कोई, मुझे बताएं इसमें क्या क्या हैसियत इंसान की, क्या क्या वक्त है उसकी, कौन खुश करता है उसके, शैतान उसको बड़ा खुश करते हैं, बड़े थपकी देकर सुलाते हैं, मीठी मीठी नींद सुलाते हैं उसको, मस्त रखते हैं उसको, क्या हो गया मुनाफिक नफाक। हमें जब हमने राजी नहीं किया तो है डेफिनेट होता है, उसमें पूरा जमाना जिसमें घूमे, आप किसी से हाथ मिलाए, आप आजकल तो ये पक्का है कि आप किसी पर एतवार ही नहीं कर सकते किसी फील्ड में भी, बहुत डर ही लग रहा था यार ये इसने सही मुझे किया हुआ नहीं किया हुआ, या ये सही मेरे से बात की होगी इसने नहीं की होगी, ये सही की चीज दे रहा है मुझे नहीं दे रहा, मुझे खतरे लगा रहता है, या पति इसने से वादा किया मुझसे कल दे देगा नहीं, उसी किसने वादा किया मैं कल तुझे पैसे दे दूंगा, इसे सारी रात सोचते ही रहेगा कि पत्नी देता भी ये नहीं देता, यार कहा तो है उसने, तो उससे पूछिए तो यार उसने कल कहा तो है, ऐसे हम कहते हैं स्टिल डोंट बिलीव, मुझे पता नहीं वो दे देगा, ये हमारे ईमान की कैफियत है ना, ये ईमान वाला उसको यकीन कर रहा है ना, ईमान वाला यकीन कर रहा है, या आखिर था हमारे सोचिए, यही फिक्र है, फुकर है जिसके लिए इंसान अल्लाह वालों के पास जाते हैं और अपने इन बीमारियों को खत्म कराने की वजह से, ये अल्लाह हमें इनसे निजात दिला, हमारे दिलों को हमारे दिलों को साफ शिफाफ कर पाक साफ जिंदगी दे, कितनी प्यारी हदीस की दुआ है कि जब मरूं अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी दे, मौजूद मौत दे, बगैर रुसवाई के अपने पास बुला, नहीं दुआएं बताया जाए कि इस तरह है मोमिन की जिंदगी, जिंदगी तो क्या हो पाकीज़ा हो, हर बीमारी से पाक साफ, जब जा रहा हो मौजूद मौत सुटे बोल दो एक मोमिन के लिए मौत चाहिए, वो मौत मुझे ताफर अब बगैर रुसवाई के, कल कोई उंगली ना उठा लो उस पर, इसने मेरे पैसे देने थे, इसने मुझसे ये फ्रॉड किया, इसने मुझसे ऐसे झूठ बोला था, मर गया है लेकिन दुनिया तो नहीं छोड़ती, दुनिया तो नहीं छोड़ेगी, आप जो हमने काम किए होंगे, जिनके दिल दिखोएंगे, जिनके साथ जतनी की होंगी, आप दुनिया कैसे छोड़ देगी, आप कैसे छोड़ देगी, कोई ये थोड़े गिने आपने इतने हज किए थे, इतने उम्र किए थे, ये फला किया था, ये नहीं कहीं मेरा ये नुकसान किया था, अच्छा मरा तो देखें कितना फर्क है, बगैर रुसवाई के अल्लाह हमें अपने पास मिला, ये तीनों चीजें जब हो सकती हैं जब हम अपना तस्किया करें और ईमानदारी के साथ, अब मुनाफिक है तो अपने आप को मुनाफिक समझें तभी इलाज हो, मैं बीमार हूं तो मैं बीमार समझूं, अपने आप को जब मैं बीमार ही नहीं समझूंगा तो इलाज कैसे होगा, अल्लाह ताला ठीक है चलता रहे, यहां तो ऐसे इतनी एहतियात की जरूरत है कि अगर मैं बीमार ना भी हूं तब भी समझूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने किस मकाम के साहबी थे, बाहर मैं मुनाफिक हो गया, मुनाफिक हो गया, शोर मचा दी, दूसरे साहबी क्यों मुनाफिक हो गए, उन्होंने किस्सा सुना मैं भी मुनाफिक हो गया, सहाबा कराम के एहतियात देखे, इतने घबरा गए कौन इसका फैसला करे, जानते ही आप ये हदीस बड़ी मशहूर है, कौन फैसला करे, आखिर बाग रिसालत में पहुंचे कि हम तो मुनाफिक यही नहीं काम हो गए हैं या नहीं क्या हो गए, नहीं हम तो हो गए, ये बताया जा रहा है कि इतनी एहतियात है मोमिन के लिए, हम तो ऊपर से लेके नीचे तक कई गुनाह में डूबे थे, हम तो है ही नहीं जी, हम तो पता कोई नहीं जी, असी कितने कोई नहीं जी, कहते ही नहीं कहते, हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं, हमारा क्या ताल्लुक इस काम से, किस तरह सही होंगे हम भाई, उम्र जा रही है, जिंदगी जा रही है, वक्त जा रहा है, जल्दी से एक लेटर मिलने वाला है रिटायरमेंट का, कौन सा रिटायरमेंट, क्या मतलब छड़ यार दुनिया कहने वाले जान छड़ यार, बस बुढ़ा हो गया बाल सफेद हो गए तो अब क्या, इतने रंगले बालों को जो कुछ कर ले, दुनिया कहती वैसे है तू रिटायर, अब तुझे हमने रखा नहीं छुट्टी कर, पिछले नोट गिनते रहे जो कमाए थे बेमानी, बस उस पर मारते रहे मशीन में कार्ड, तुझे जय जी हमें जाप दे क्या है जी उम्र क्या है
मैं रिटायर कर छुट्टी कर रही हूँ, रिटायरमेंट लोगों को जॉब नहीं मिलता, पीछे लाइन लगी है लोग, मुझे देगा जॉब आप रिटायरमेंट वालों को जॉब देगा छुट्टी कर दे भी देगा तो जॉब 10 पाउंड में उसके पाउंड ले लेंगे हर घंटे का, तो फिर आपको जॉब दे देते हैं बैठ के काम करते हैं। ये दुनिया दिखा रही है बेवफाई, देखें दुनिया की, वो जो कभी उसको ऊपर चलाती थी कितने उसको रुतबे मिलते थे, क्या कर शान शौकत होती थी, नहीं जिसम भी था नखरा भी था जनाब मौज नौकरी जॉब भी था, वही कह रहे छुट्टी करो छुट्टी करो। उस ऑफिस में भी जाता है ना बेचारा जहां से रिटायर हुआ, तो भी कहते हैं बाबा को हटाए यार के बोर करने आ गए, रोज चाय पीना जाने थे। हमने पर्सनल देखी चीज, कभी उससे डरते थे बेचारे से, आपको कहते यार छोड़ क्या है बोर करने आता है इसी ऑफिस, ऑफिस उसका था बेचारे। ये सबक है दोस्तों मेरे आपके लिए, सबक है हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी अलहमदिल्ला जिंदगी के साथ साथ अपने समझते थे अपनी सलाह करते थे। नफाक की 3-4 निशानी बताई है मेरे आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए यहाँ झूठ बोल रहे हैं, अगर इलाज करना चाहते नहीं क्या मैं अमानत में ख्यात करता हूँ लोगों कि मैं वादा खिलाफ हूँ निगड़ा लू हूँ, तो ये तो बड़े खतरनाक आदत है, ये तो डायरेक्ट नफाक है। नहीं यार नफाक शित यार तो इतनी नमाजें पढ़ता है तहजीब पढ़ता है हिसाब का जिक्र करके आ जाते हैं, तो ये तो होती चीज़ें चलती हैं उस तख्त जब तू मैं सब कुछ कर, फिर ये है क्यों भी क्यों है फिर, मैं तो मुनाफिक हूं, मैंने कहा तो मुनाफिक हूं, ये तो जब नबी पाक ने फरमा दिया सिम्टम्स बता दिए कि छींक आएगी तो क्या होगा नजला, तो जो एक छींक है आप डॉक्टर कह रहे नजला कहते है ही नहीं जी, आप कैसे कहते हैं, होते भी ऐसे पेशेंट वैसे होते हैं ना, वो कहते नहीं जी नहीं मुझे तो नहीं है, तो भी आप सारे सिम्टम्स मिलते हैं आपके अंदर जो है कैंसर की बीमारी है फलां चीज की बीमारी पैदा हो गई है, तस्लीम कर लो, नहीं है ही नहीं जी, तो ठीक है भैया तो बढ़ता रहेगा, ऐसे हमें वो एहतियात होनी चाहिए जब वो सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबक दिया इस चीज़ को, इतने बड़े साहबी थे कितने दर्जे के साहबी आने कुछ बादल नबी बशर थे तो अफसल तो बशर नहीं, शक हुआ कि ऐसा तो नहीं मेरे अंदर ये चीज़ हो रही है तो भाई मुनाफिक हो गया, तो हमें तो एहतियात बहुत करनी चाहिए, इस दुनिया का जमाना आज ऐसा जा रहा है दोस्तों ना इबादत पे घमंड करें ना चीज है, एक लाइन दूसरी है सफाई, देखें एक बुरी आदत पैदा हो रही है फौरन देखें बुरी आदत का मतलब क्या है, ये तो उस गुनाह से मिल रही है, तो ये वो गुनाह मेरे में है तभी ये चीज पैदा हो रही है, फौरन भाग गए अपने शेख के पास हजरत को इसके बाद बताएंगे तो काम खराब हुआ है ये थोड़ी इसलिए थोड़ी अहवाल लिखवाया जाता है शेख को, ये थोड़ी लट लिखते हैं माय डियर शेख साहब I'm very well. I'm going to be now very soon. Jibril Aslam are on my Aslam on the page. I'm going to be here. I'm going to be here. लिबास तो पहन पहनवा दिया आपने सब कुछ करा दिया आगे क्या करें ना, बच्ची में तहजीद भी बड़ी अच्छी है मेरी फलां भी बड़ी अच्छी है मेरी जी बड़ी अच्छी है ये भी अच्छी है, तो पूछा तो फिर ठीक है भाई हम ही बोले बैठा आजकल तो अहवाल भी ऐसे की बात। तो मेरे भाई हो नफाक बहुत बुरी बीमारी है, क्या हो सकता है इसके इलाज से भी सोचे ना, हम झूठ बोलते हैं हम वादा खिलाफ हैं हम खयानत कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, बाद झगड़ा कर जाते हैं नाक को गुस्सा जाते हैं हमारे हैं, फिर क्या बन गया 100% क्या है हमारे में, असकाब रदी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि नबी हमें इसका एक इलाज बताया है, अब जब इलाज होगा ना इसका तो वो टेबलेट खाओ उम्मीद है अल्लाह के फजल से ये बीमारी निकलना शुरू हो जाएगी, क्या इलाज है इसका जो बताया है नबी वाहन ने हमने पूछा तो सरकार उसके इलाज बताया है और क्या रहता है, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, खानकाह में यही होता है एंड कहाँ होता जाके कसरत से अल्लाह का जिक्र करो जी, क्यों करें
कहते कुरान नहीं पढ़ा तुम, ला यस्करून इल्ला कलीला। मुनाफिक की निशानी बताए कि ये जिक्र करते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, कि मुंह से जिक्र निकलते ही नहीं, भागते हैं। इनको कोई मोहब्बत ही नहीं अल्लाह के जिक्र से, इनको रहमत ही कोई नहीं। मुनाफिक कभी जिक्र नहीं करेगा, जिसमें नफाक अल्लाह दर्जे का होगा ना, वो जिक्र कभी नहीं करेगा उसको जिक्र। अब ये देख कितनी बड़ी बात है, जिस दिल के अंदर, जिस इंसान के अंदर शौक ना हो जिक्र का, रगबत ना हो, या जैसा बूढ़े हो गए नशे फिरते हैं मस्जिद आते हैं जिक्र आस्ते, यह है रगबत, यह है मोहब्बत, इश्क यही है ना। नहीं सोचते चलो जी तस्वीर की थी ना, वो भी पड़े मैं सो जाए थोड़ी देर में कहीं दे दो, सबसे पहले बैठे होते अल्हम्दुलिल्लाह। यह ऐसी कैफियत हो जाए तो आदमी जिस और जिसके पास सब कुछ भी है, टाइम भी है, सेहत भी है, सब कुछ भी है, मस्जिद भरी हुई है, आज मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होगा, क्या साइन है इसके? मैं नहीं कह रहा, कुरान क्या कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, कुरान होता है इसको क्या कहता है? ये वो लोग हैं जिनके दिलों में नफाक पैदा हो चुके हैं, मुनाफिक है, बाहर जाके झगड़े करेंगे, फ्रॉड करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, तलाकें देंगे, घरों में फ्रॉड होगा, फैक्ट्री में फ्रॉड होगा, दुकानों में फ्रॉड होगा। ये कर तो गए अपने से नमाज पढ़ गए, लेकिन है कौन लोग ये? ला यस्करून इल्ला कलीला, कुरान कहता है कि इनके अंदर एक सिर्फ पूरी मौजूद है कि ये मेरी याद से भागते हैं, इनको शौक ही नहीं है। किसी इतना शौक होता है, इतना शौक होता है, उसमें नफाक नहीं है, घर से भागा रहा है, सुबह से इंतजार कर रहा है, फलम मस्जिद में जिक्र होगा, नोटिफिकेशन देख रहा है, हम चलते हैं, चलो आज ये प्रोग्राम चेंज करते हैं, अपने प्रोग्रामों को चेंज कर देता है, सब कुछ करता है, ये किस चीज का साइन है? अल्लाह ताला ने इसके दिल के अंदर जिक्र की मोहब्बत पैदा की है, नफाक जो है वो निकल रहा है। ये बताया नबी पाक से सुनने कि इसका इलाज वाहिद क्या है? कसरत है। मेरे भाइयों बीमारी तो मौजूद है, क्या करना चाहिए हमें? अल्लाह का जिक्र, कसरत। ये शैतान जो वस्तु से डालता नहीं रहे, आप ये डॉक्टर आपको दे रहे लाल पीली नीली गोली खाओ, ब्लड प्रेशर कम करेगा। कभी आप गोली दे के खाते हैं, कहते हैं इसमें ऑरेंज क्यों नहीं आया मजा, एप्पल का क्यों नहीं आ रहा, यानी शहद जैसा मजा क्यों नहीं आ रहा, चुप करके डालते हैं और उसका पहले इंतजाम होता है पानी हाथ के लाश ले लो अंदर ही जाए सीधे, टेस्ट ही ना है, जबान पर कड़वी होती है ज्यादा, लेकिन बड़े एतकाद से खा रहे हैं कि ये जाएगी ब्लड प्रेशर क्या करेगी। अल्लाह का नाम, जब अल्लाह का नाम लेने बैठो अल्लाह का जिक्र, तो ये सोचते हैं मजा नहीं आ रहा, ये फला नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। अल्लाह के बंदे एक गोली असर करी तो अल्लाह का नाम असर नहीं करेगा? 80% 70% मैं आपको बताऊं, बल्कि 99% लोग आज जिक्र क्यों नहीं करते? मजा नहीं आता, तस्वीरें नजर नहीं आ रही, लुत्फ नहीं आ रहा, कोई चीज नजर नहीं आ रही। वो उनका तस्वीर है कि जिक्र के बाद हम इतनी बुलंदी में पहुंच जाए कि बस मेराज पे पहुंच रहे हैं, हम तो अभी बुरा कारी है, हम रात को जाए। ये लोग के जिन्हें एक इमेज बन गया है इस किस्म का, और यहां वो कहा इनका खाना आराम, पीना आराम, सारा तो मामला हराम पे ही हमारा सब, ख्वाहिशात हमारी इतनी ऊंची चल रही है, सोचने वाली बात है, अभी तो इब्तदा ही है, तो फिर क्या करते हैं? स्लिप हो जाते हैं। बड़ा खश होता है शुरू शुरू में कोई आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखते रहता हूँ आदमी को और दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला इसको तू टिकाना, शैतान इसके पीछे लगा हुआ है, और आखिर जब मैं देखता हूँ भाग गया, शैतान ले गया उसको, बहुत अफसोस मुझे होता है। मैं फाइट देख रहा होता हूँ उसकी नफ्स की और शैतान की, बड़े शौक से है, देख रहे नया आदमी है, जिक्र सीखे है, बैठे है, तस्वीर ले रहा है, मुझसे भूख मिलने भी है, मैं खास उसको बात भी करता हूँ उससे, मस्जिद में खास टाइम भी देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, ये देखें मैं शौक देता हूँ। अब फिर ऑब्जर्व करता हूँ उसके, अल्लाह ताला तेरे हाथ में अभी है, हमने सब कुछ सिखा दिया, क्योंकि अब उसको शैतान और नफ्स का झगड़ा है। देखता हूँ बहुत सौ को, मैं उमरे पे जा रहा हूँ, मैं हज पे जा रहा हूँ, जब ये वो कहते हैं ना, मैं ये गया ये आदमी गया, अब अल्लाह इसको वापस लेकर आए, लेकिन बाज दें अल्हम्दुलिल्लाह, देख के दिल भाग हो जाता, वैसे ही वैसे फिर वापस आ जाता। लोग हैं बड़ा खुश होती थे इस बार, कहता बस अल्लाह ने चुन लिया, एक झटका पहले निकल जाए ना शैतान का, वो शख्स पहला जी गुबार आता है ना, ये पहला बड़ा सख्त आता है स्टार्ट में, अगर उसको क्रॉस कर गया ना, फिर जिंदगी भर नहीं जाता, ये लगे एक टेस्ट पास फिर नहीं जाता, सवाल ही पैदा कहाँ जाना, स्टार्ट होता है बड़ा जबरदस्त, इसमें तो मजा नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, यार ये अच्छा है, ये लाइन अच्छी है, या इसमें तो मजा, उसमें
ये कर लेते हैं या शू शू आता है ऐसा, हम उसमें चले जाएं, हम इसमें चले जाएं। तो फिर मैं पहले तो मैं कहता हूँ जब फिर समझाता हूँ कि देखो भाई बात सब सब चले चले जाना, पहले टिको तो सही थोड़ा सा एक जगह सांस तो ले लो जरा। हमेशा ऐसे होता है, ऑब्जर्व करते रहता हूँ, होता क्या है कि जब पहला निकल जाए अब फिर छोड़ देता हूँ, आए ना मुझे पता जाएगा कहाँ से, पहला टेस्ट पास कर देता आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझो पक्का हो गया अल्लाह ने कहते उसको पास कर दिया। फिर दुआ करता हूँ उसके अल्लाह ताला उसको इस्तकामत दे, उसको चलाओ, उसके गुनाहों से बचाओ। ऐसा आदमी बड़ा कामयाब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, फाइट लगती है, फाइट चलती है उसकी अच्छी खासी, बस वो चला आया चला चला, सिर्फ सबके साथ हुआ होगी, मुझे उम्मीद है बात चलती एक दर्जे पे आती है बात। खबरदार जम जाए कुछ भी हो जाए, कहते नहीं हम अल्लाह का जिक्र को नहीं छोड़ सकते। हकीम उम्मत से बस उनका कॉल जा रखो, जिसको हमेशा हमारे उसका हवाला देते थे हज़रत हकीम उम्मत की, इस कॉल का दिल लगे ना लगे, तबीयत माने ना माने, तबीयत चाहे ना चाहे, वजू हो ना हो, वो कुछ भी हो अल्लाह के जिक्र को ना छोड़। हाजी इमदाद मक्की रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जिक्र कैसे आप सोच सकते हैं, इस फसल में आप कैसे यकीन कर सकते हैं किसी का आपको फायदा नहीं देगा। अल्लाह के बंदो सोचो तो सही, अगर अल्लाह का नाम इस दुनिया में फायदा नहीं देगा तो कोई चीज फायदा नहीं दे सकती, कोई चीज फायदा नहीं दे सकती। अल्लाह का नाम तो ऐसा है कि 100 साल का भी कोई काफिर है और एक दफा अल्लाह का नाम सच्चा ले ले तो ईमान पे आ जाता है, जन्नत में चला जाता है। इसका तो असर ही बहुत बड़ा है, इस तो शुक्र करें जिस पर बैठे कि हमें वजह अल्लाह की हिकमतें बड़ी हैं। अगर आपको अल्लाह अपने नाम का टेस्ट दिखा देना समझे ना, तो आप किसी जगह के ही ना रहेंगे, ना दुकान चले, ना बीवी, ना बच्चे, कुछ दुनिया मुझे बताएं कोई लज्जत ही खत्म हो जाए सब चीज की आपकी। आप छोड़ दो मुझे, बस अल्लाह का नाम लेने दो, इतना मीठा इतना प्यारा कि तस्वर भी नहीं कर सकता आदमी कि ये क्या नाम है अल्लाह का, तो तस्वर भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह की मिठास दे देना इसकी, अल्लाह देखे चाहता है कि भाई इसके दुनिया भी है, बच्चे भी हैं, कारोबार भी है, बीवी भी है और काम भी कर रहा है, टेस्ट टेस्ट की तरफ ना जाना कभी भी, इसकी तरफ उसकी मेहरबानी की तरफ जाना, उसकी यकीन पैदा करना कि वाकई देगा टेस्ट। अगर आप 70,000 या 30,000 या 5,000 दफा अल्लाह का नाम लेते हैं इस दुनिया में, एक एक नाम लेने का आप तसव्वुर नहीं कर सकते किसका क्या टेस्ट है, और वो यहां दे ही नहीं सकते और आप उसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जब आप इस दुनिया से निकलेंगे तब वो देख रहे हैं जन्नत में अल्लाह जब इसका टेस्ट आपको देगा, और इतने जितने आपने किए जिंदगी के अंदर इतने ही उसके मुकाबले अल्लाह पाक आपको टेस्ट देगा उसका, वहां आप बर्दाश्त कर जाएंगे उस टेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको तक फिर देखें जब आपको मस्त करेगा, फिर आप कहेंगे यार कितनी गलती होगी हमें तस्वीर और कर लेते। तमाम निबते जितनी दुनिया अल्लाह पाक जन्नत में देगा, वो तो जिसके बारे में अल्लाह ने कहा ना तुम सोच सकते हो ना तुम वहम गुमान तुम्हारा वहां जा सकता है, उन तमाम नेमतों का उस टेस्ट के मुकाबले में एक जर्रा भी नहीं होगा। ये जो नाम आप ले बात समझ आ गई, हाँ, तो इस चक्कर में कभी ना जाओ भाई, कभी ना जाओ। मूसा सलाम का किस्सा मुझे याद आता है कि पादरी था राहिब, जिसमें हमारे तो सूफी उस जमाने राहिब होते थे, हमारी खानकाहें होती थी, अपने राहिब वालों ने खानकाह बनाई होती थी, पहाड़ों पे रहते थे, वो तो बीवी बच्चों के कायल नहीं थे ना, हमारे तो सुनत चतरी क्या ना, दुनिया में रहो अल्लाह को याद करो, दुनिया में काम रखो। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो राहिब ने कहा वक्त के नजदीक वहां से जा रहा है, अल्लाह से दुआ तो करना मेरे लिए, क्या दुआ करना है, बस तो दुआ करके तो मोहब्बत का छींटे मार दे मेरे, अच्छा कर देता हूँ दुआ, या अल्लाह बंदा तेरा आशिक जो कहता है मुझे मोहब्बत को कोई नजारा तो दिखा दे। अच्छा ये मांगे तुझसे, कहता हूँ तो वो नबी है, तूने तो मुझसे दुआ कर ली, लेकिन देखना हाल क्या है, इसने क्या चीज मुझसे मांगी है। तो दुआ करके चले गए, जब वापिस उस आना हुआ वहां से गुजरे, देखा पहाड़ जो था वो टुकड़े टुकड़े हुआ, खानकाह का नाम निशान नहीं, और वो आदमी पड़ा आंखें खुली, मुंह खुला, हाथ पांव उसके खुले, अजीब कैफियत में बिल्कुल गायब।
अल्लाह ताला का कहना यह है कि एक जर्रा मैंने दिखाया था अपनी मोहब्बत का इसको, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये इनाम अल्लाह ने कहा रखा है। हाँ, अब समझे भैया, आज समझे बात नहीं, यहां तो काम करो काम, इसके इनाम आप यहां ले ही नहीं सकते। याद रखें बहुत बड़ा इनाम। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह को याद करते हो। अल्लाह को याद करते हो इससे नहीं आप याद करते, किसी चीज से आप याद नहीं करते। किससे याद करते हो? अल्लाह को याद करते हो अल्लाह के नाम से। कोई सफाती नाम या कादरी या हब है ही नहीं, हम सफात पर चलते ही नहीं। हम तो डायरेक्ट अल्लाह ने नक्शबंदी सिलसिले में डाल के ना इतनी ताकत दे दी कि तुम मेरा नाम ले सकते हो। इसका मतलब यह है कि नक्शबंदी सिलसिले में आने के बाद ये बताया जाता है कि अब तुम्हें ताकत डाल दी गई हमें कि तुम हमारे नाम को बर्दाश्त कर सकते हो। डायरेक्ट जाओ, अब हद भी नहीं, जाओ जितना लो तुम्हें बर्दाश्त करोगे। कोई बर्दाश्त कर सकता है अल्लाह? खानकाओं में देखे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम पे तड़पते चीखते रोते, आंखों से देखे दो दफा ऊपर उठ के अल्लाह 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 चीखते, बेकैफ नाम है उनके माहौल होते थे वो माशाल्लाह। ये कहीं कम बात है? इतना बड़ा इनाम आपको अल्लाह पाक ने दे दिया, हम करें न करें क्या सजा होगी इस इंसान की? नहीं ये दिल नहीं कर, चले जाएंगे। नहीं मुझे ये काम है, मैं तो फलां से आया हूं, बैठे हैं एक ये ब्लॉक बंद, ये ब्रेडफोर्ड, ये हमने तो वो जमाने में देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिक्र पर लंदन से लोग आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह में बैठते थे, रहते नहीं थे ना, आए ये हम जानते हैं चंद्र बैठे हैं सारे, इन्होंने खाई में खानकाह की रोटी खाई में सब आते थे, जिक्र करते थे। आपको पता है जिक्र हमारा लंबा ही होता है, अल्लाह के फजल से बात करता हूँ तो फिर पता ही चलता, फिर जिक्र भी लंबा हो, फिर उठने को दिल नहीं करता। उसी तरह सुबह कामों पे जाने अपने को, किसी महकमे है इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बड़े बड़े महकमे में काम करने वाले लोग पुलिस में, वो सब अपने काम पे बिल्कुल तरोताजा होकर अपनी सुबह ड्यूटी दे रहे हैं 8 बजे। इसको कहते हैं जिक्र के दीवाने माफ। ऐसी कौम भी पैदा होती है, कभी नहीं कहा मजा नहीं आ रहा, फला नहीं आ रहा, जिनके नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, ये क्या बात हुई, टाइम नहीं है, नहीं बताए हो कहा रहे, कब हो रहा है, कहां जा रहे हैं, वहीं पीछे। ये भी करते रहे यहाँ के लोग भी, माशाल्लाह 60-60 आदमी आते थे यहां से, यहां से कुम नहीं आशिक है सब यहां भी अभी तक तो है। ये क्या चीज है, जिक्र है नहीं मेरे लिए तो नहीं आते, किसी और से नहीं, अल्लाह वास्खत अल्लाह के ध्यान होता है, अल्लाह की मोहब्बत है। पर जब इतना बड़ा नाम आ गया नफाक रहेगा, ऐसे नफाक की जगह क्या आएगा, अल्लाह अल्लाह की याद आएगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी। अब करना बोलना कुछ भी नहीं, मर जाना इसी तरह नफाक के साथ, बस ये एक इबादत अल्लाह ने दे दी, उसको हम समझते हैं बड़ा काम हमने कर लिया। भाई अंदर की भी तो इबादत है ना, ये झूठ को छोड़ना ये फर्ज नहीं है। अगर नमाज फर्ज है, मौलाना साहब भाई कई मौलाना बैठे हैं मुझे बता दें भैया, ये अगर नमाज फर्ज है तो झूठ को छोड़ना फर्ज नहीं है, है या फर्ज नहीं है? एक फर्ज अदा कर रहे, एक फर्ज पे आप ध्यान नहीं दे रहे, ये क्या बात। रिया को छोड़ना फर्ज है, झूठ को छोड़ना फर्ज है, नफ्स के साथ लड़ना फर्ज है, बस क्या कर रहे हैं, ये भी फर्ज है, फर्ज वाला सवाल है, इस फर्ज का पता ही कोई नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, क्या करें, अल्लाह का फिक्र करें, बस फिक्र को पकड़ लें, इंशाल्लाह सारी बीमारियां आस्ते आस्ते निकल जाएंगी, अल्लाह की मोहब्बत आना शुरू होगी। यहां हमने जिक्र करना है, कोई अमल कोई वो नहीं देखना हमें, क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मीठा है खट्टा है, यह ना हमारा नहीं दिल चल रहा है दिल नहीं कर रहा, नहीं ये बड़ा टेस्ट है, लगता है बिल्कुल टेस्ट नहीं देगा अल्लाह पाक, बिल्कुल उठवाएगा शैतान, उठो यार क्या कर रहे, बहुत हो गया, चलो यार क्या है या इतनी दूर, क्या उठवाएगा शैतान, नफ्स आपको निकालेगा स्वास्थ्य से भगाएगा। जिक्र क्या हमें टेस्ट चाहिए नहीं, हम तो उधर का इंतजार कर रहे ना जब वहां मिलेगा, यहां टेस्ट लिया तो फिर वही हाल होगा हमारा राहिब वाला करना है वो हाल तो टेस्ट मिल जाता है, अल्लाह की हिकमत है, जिसे लेना टेस्ट है पता है, कभी ना सोचो टेस्ट, अल्लाह की बातों में दखल दे सकता है आदमी, क्या सोच सकते हैं अल्लाह के नाम में टेस्ट नहीं होगा, मजा नहीं होगा, जायका नहीं होगा। मौलाना रूमी ने लिखा है ना कि दुनिया का शेर है अल्हम्दुलिल्लाह,
श्री नाम चीजता से एक शेर में सुझाए नहीं आ रहा कि क्या खूबसूरत तेरा प्यारा नाम है। जिस वक्त नाम को ये वो झूठ बोलने वाले लोग नहीं थे कि जिस वक्त मैं तेरा नाम लेता हूं तो मेरा पूरा जिस्म शीर शक्कर हो जाता है शायद की कसम खा कर जी श्री नाम अस्त कितना खूबसूरत मीठा तेरा नाम है। मैं नाम लेके तो मेरा जिस्म जो सारा शीरी वो बन जाता है मिश्री समझते मिश्री वो बन जाता है बस लुत्फ इतना होता है कि जैसे मैं क्या शहद पी रहा हूं क्या चीज का एक दो होते जब तेरा नाम लेता हूं तो कभी कभी अपना अल्लाह वालों को अल्लाह पाक ही देता मैं आप इस चक्कर में बैठे मजा है अल्लाह वालों को भी दे देता है अल्लाह थोड़ा बहुत टेस्ट थोड़ा मजा उनको देने के लिए क्योंकि तो जिंदगी गुजार चुके होते हैं बगैर टेस्ट में टेस्ट की जरूरत नहीं होती अल्लाह कभी सिखा देता है रात की किसी तनाही में थोड़ा चखला चला तब ये बोलते हैं बातें ऐसी बातें निकलती हैं फिर उनके मुंह से फिर हम उनके फतवे लगा देते हैं क्या बकवास कर रहे हैं बिद्दत कर रहे हैं शिर दिखाओ जी हदीस दिखाओ कुरान से साबित करो जी फिर उनकी दूं पकड़ते हैं बेचारों की वो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक वक्त होता है कि चीज होती है इन पर कैफियत गुजर जाती है अल्लाह वालों की वो ऐसी चीज ना वो लेकिन टेस्ट हो जाता है क्या अल्लाह ताला तेरा नाम लेने में क्या लुत्फ है मेरा पूरा जिस्म शिर शिकर हो गया शहर ही शहर हो गया सर इतना मीठा नाम है अल्लाह ठीक है ना फिर पक्के जिगर में अब ये नहीं सोचना है कि मजा रहे नहीं अब हमें क्या सोचना है कि जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं अल्लाह ताला कि नफाक निकल जाए नफाक नहीं करेगा तो हम सच्चे हो जाएंगे झूठे नहीं रहेंगे हम वादा खिलाफी कभी नहीं करेंगे हम किसी के माल में खयानत नहीं करेंगे हम लालची नहीं बनेंगे ठीक है ना हम तो तेरे नाम का सहारा लेकिन तमाम चीजों को खत्म करना चाहते हैं बाकी रहा मजा तो वहां तेरे से मुलाकात होगी इंशाल्लाह जन्नत में वहां बात करेंगे फिर मजे की याद नहीं करते है ना सर अल्लाह से ऐसे बातें किया करो भाई अल्लाह तो बहुत महबूब बहुत प्यार करता है बंदे से कहता है मुझसे बातें करो टाइम देता है उसने टाइम दिया है बातों करने का डायल कर सकते हैं आप उनको सुबह तहज्जुद से पहले पढ़ो सूरह रहमान पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह रहमान पढ़ के फिर अल्लाह से गुफ्तगू करो नहीं पाक और साफ हो उसमें हराम करी ना हो जिसम फिर सच्चा रिस्क अंदर गया हो खून पक्का साफ सुथरा देखो फिर जवाब आते ही नहीं आते अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह तब से खुद कहे मैं तो आवाजें मार रहा हूं कहा ही नहीं कहा आवाजें वो मार रहा है बस यही कि हमारे कान में मैल पड़ा है ना मैल मैल गुजर है ना जैसे आप कान बंद हो जाते हैं डॉक्टर पास जाते हैं ना तो कान जब मैल की मैल निकालते हैं यहां सब सोच सुन रहा यहां तेरी बात भी समझ की सुन रहा जैसे वो मैल निकल जाएगा ना कान से तो अल्लाह जब आवाजें दे रहा है सुनता है बिल्कुल ये तो कई बुजुर्ग किस्से ऐसे हैं तहज्जुद के वक्त में खुद आवाज सुनी है मैंने अल्लाह ताला की उठा रहे हैं आवाज दे रहे हैं थूकते क्यों नहीं तुम वैसे बुजुर्ग मैंने देखे भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ये आवाज सुनी तहज्जुद पर अल्लाह ताला ये आवाज कि उठो मैं तो आ चुका हूं मुझसे बख्शिश मांगो मुझसे रिज़्क मांगो क्यों हराम रिज़्क करते हो मुझसे मांगो मैं ताजा रिज़्क दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह ताजा सेब दूंगा ताजा रोटी आएगी ताजा चिकन आएगा क्यों हराम खारिज तुम देखते हो इस वक्त आके मुझसे मांगोगे डायरेक्ट जन्नत से रिजक आएगा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी हराम खारिज करने की बकवास बाजी की उस वक्त मांगना नहीं अब फिर जाके हराम खारिज करनी सारा दिन हराम खाना बच्चों को खिलाना खुद भी खाना उनकी शैतानियत देखनी बच्चों को वो क्या बनेंगे शैतान बनेंगे इंसान कैसे बन सकते पूरा सिस्टम अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी गुजारने का दिया है मेरे भाई किसी मजहब में आपको ऐसी चीज नजर नहीं आती तभी तो कहते हैं सच सब ये मजहब है ही सच्चा कोई लम्हा आपका ऐसा नहीं है जिसमें आपको गाइडेंस नहीं मिल रही हर चीज की पूरी तौजन से मिलती है बस एक वादा कर ले अल्लाह ताला तेरे बताए हुए सिलेबस के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूंगा बिल्कुल आराम से जिंदगी गुजरती है ना ऐसे नहीं चलें दुरूद पढ़ें अल्लाह ताला तौफीक दे हम सबको कि हम सब जिक्र करें और हमारी बीमारियां खत्म हों।